जैसे ही पूजा संपन्न हो गई तो सबने पंडित जी को प्रसाद देकर पंडित जी का दर्शन ले लिया है। और पंडित जी को मैं खाना खाने के लिए बोल रही हूँ, मगर पंडित जी बोल रहे नहीं जाना है, लेट हो रहा है, तो उन्हें मैंने फल दे दिया है। वैसे ही कैसे भेज दे, तो इसलिए मैंने केले सेब फल दे दिया है खाने के लिए, और चाय भी बना कर दे दी है। और कल्पना लगी हुई है खाना बनाने में, तो यहाँ पर सब्जी बनाने के लिए टमाटर प्याज सब काट ले रही है, और ये सौम्या देखिए साथ में बैठी है। तो यहाँ पर सब्जी बन चुकी है हमारी, चावल कढ़ी सब बना लिया है, भरड़ा बन चुका है सारा खाना, आधा खाना तो बन ही चुका है। तो यहाँ पर चिप्स और पापड़ तल ले रही है कल्पना, और मैं उसे कवर में डाल कर रख दे रही हूँ ताकि नरम ना पड़े। ऐसे कुरकुरे रहते हैं कवर में बांध कर रखने से, क्योंकि खाना खाने में अभी थोड़ा सा लेट है, अभी मेहमान नहीं आए हैं, आने वाले हैं अभी। तो सारे पापड़ चिप्स कवर में मैंने बांध कर रख दिया है। और यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ भगवान को भोग लगाने के लिए छोटी 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 पूरन पोली, गाय के लिए, भगवान के लिए, सबके लिए मैं छोटी छोटी बना लेती हूँ पहले। और इधर कल्पना अभी चिप्स तल ले रही है, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा तलने हैं। अभी पकोड़े भी बनाने हैं, पकोड़े का बैटर तैयार बना कर रख दिया है, बस तल लेना है उसे। तो साथ ही साथ कल्पना पकोड़े भी बना लेगी। मैं यहाँ पर भगवान को भोग लगाकर फिर मैं सारी पूरनपोली भी बना लेती हूँ, सारी नहीं बस थोड़ी सी बना लेती हूँ। जैसे ही आते जाएंगे गरम गरम पूरनपोली मैं बना कर दे दूँगी, ठंडे उतने अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं बना कर दे दूँगी। कल्पना सबको खाना लगा देगी। तो यहाँ पर चिप्स हो चुके हैं तलने, चिप्स पापड़ अब पकोड़े तल ले रही है कल्पना, और मैं बना ले रही हूँ पूरन पोली। भगवान को भोग लगा दिया है मैंने, और गाय को भी दे के आए हैं ये, यहीं सामने खेतों में गाय रहती है तो जाकर दे आए हैं ये। गाय को खा दे या बिना तो अच्छा नहीं लगेगा, पहले गाय को देने के बाद ही सारे भगवान को पहुंच जाता है खाना, ऐसा बोलते हैं। तो गाय को दे आए हैं पहले अब, और यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ पूरन पोली, और ये अभी अभी आए हैं, इन्हें आने में थोड़ा सा लेट हो गया है। तो यहाँ पर मैं सासू माँ की तस्वीर को, ये साड़ी नई साड़ी लेके आई है अभी अभी, तो मैं चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि सत्यनारायण की कथा हो चुकी है तो सासू माँ को भी मैं साड़ी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि हर साल हम ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर इस कुर्सी पर तस्वीर रख दी है मैंने, बस यहाँ पर साड़ी भी चढ़ा दूँगी। दोपहर के 12 बज चुके हैं, तो खाना हमारा सारा रेडी हो चुका है, बस पूरन पोली में गरम गरम बनाकर देना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ज़्यादा पूरन पोलियाँ नहीं बनाई है। पहले मैं सासू माँ को भी साड़ी चढ़ा दी है, और यहाँ पर आ चुके हैं मेहमान, जिनको बुलाया था वो आ चुके हैं, तो इन्हें पैर धोने के लिए पानी दे दिया है। अभी आते हैं इनके फिर से एक बार में, और ये मिलकर पैर धोएंगे, इनकी पूजा करेंगे, फिर इन्हें खाना दे देंगे। तो यहाँ पर अंदर आ चुके हैं, और हम पैर धो चुके हैं इनके, पैर धोकर इनकी पूजा आरती कर ली है, और सबको खाना दे दिया है। और सबका खाना होने के बाद फिर मैं और मेरी माँ, मेरी बहन, सब कुछ हम खाने पर बैठे हैं। तो आ जाए, अभी सब कुछ है, पूरन पोली है, चावल, भरडा, कढ़ी, सब्जी, सब कुछ है, आ जाए फ्रेंड्स आप भी। मेरी माँ बाद में आई है, पहले नहीं आ पाई थी, अभी अभी आई है, आते ही हम खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। और बस सब काम करते करते हमें खाना खाने में 3 बज चुके हैं दोपहर के, तो अब हम खाना खा रहे हैं।
और छोटी बहन हमें खाना दे रही है, परोस दे रही है। उसने खा लिया है पहले, बोल रही है अब मैं आप सबको परोस दूंगी, आप बैठ जाओ। तो यहाँ पर सबका खाना वाना हो चुका है, अब मेरी बहनें दोनों भी जा रही है। तो ये देखिए सौम्या, सब जा रहे हैं, 5 बज चुके हैं अब। तो यहाँ पर मैं सबको टीका कर रही हूँ, जाते समय टीका करते हैं, अच्छा रहता है। तो मैं बोल रही हूँ कल जाएगी मेरी बहन, सोचा था, मगर नहीं सुन रही है, जा रही है, अब क्या कर सकते हैं, नहीं सुन रही है। तो वहाँ तक छोड़ आऊँगी मैं बाहर तक। और मुझे थोड़ा सा इग्नोर कर देना, बहुत बुरी हालत हो चुकी है, आज शीशे में देखने का मौका भी नहीं मिला है मुझे। तो इन्हें वहाँ तक छोड़ आऊँगी आने के बाद। अभी किचन में बर्तन है जो मुझे क्लीन करने हैं। तो अब टाइम 5 बज चुका है, तो थोड़ी सी धीमी धीमी धूप है अभी। माँ और भाई आए थे, वो पहले ही चले गए, अब ये बहनें भी जा रही हैं दोनों। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, अब अधूरा अधूरा सा घर लग रहा है, सोना सोना सा लग रहा है बिल्कुल एकदम से। कोई इस तरह से आकर चला जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और सौम्या के बिना तो बिल्कुल मेरा मन नहीं लगेगा। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती रही, बहुत अच्छा लग रहा था सौम्या के साथ। और यहाँ पर हो चुकी है सुबह, तो सुबह का नाश्ता बनाने की तैयारी में हूँ मैं। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ सूजी के आपे, जो बहुत जल्दी से बन जाते हैं। सुबह के 6 बज चुके हैं और दीपक का जाने का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर मैं फटाफट से आपे बना लेती हूँ, और ये जल्दी भी होते हैं। तो इसके अंदर डाला है मैंने 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, और इसके अंदर पानी मिलाया है, और इस तरह से इसका बैटर तैयार कर लिया है। इसे 1/2 घंटे के लिए ऐसे ढककर रख दूँगी, तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ फटाफट से। जब तक दीपक नहा रहा है तब तक हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पर ये ताज़ा नारियल ले लिया है, और यहाँ पर मूंगफली भून ली है अच्छी तरह से, और नारियल के टुकड़े बना लिए हैं, और हरी मिर्च भी भून ली है। अब इसे मिक्सी में एकदम महीन पीस लूँगी, सब एक जगह कर लेती हूँ। नारियल, हरी मिर्च और लहसुन है 4 कलियाँ, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, और 1 चम्मच चीनी। चीनी डालने से चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो 1 चम्मच चीनी डालनी चाहिए हमें। और स्वाद अनुसार नमक। अब इसे मिक्सी में पीस लूंगी। तो मैंने पानी नहीं डाला था, वैसे ही पिसा, तो ऐसे बना है। अब इसमें पानी डालकर अच्छे से फिर से एक बार पीस लूंगी। 1 कप जितना पानी डाला है, और इसे एकदम महीन पीस लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। तो ये देखिए कितनी अच्छी चटनी बनी है। तो हमें जितना चाहिए उतना पानी डाल दूंगी मैं। तो ये मिक्सी का जार धुलकर इसी में डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए चटनी तैयार है, बस इसे तड़का लगाने की दे रही है। अब इसका तड़का भी लगा दूंगी फटाफट से। तो यहाँ पर कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ले लिया है, इसके अंदर जीरा और राई डाल दूंगी, बस जीरा और राई से ही इसका तड़का लगेगा, और कुछ नहीं डालना है। तो थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है, अब ये तड़का इसमें मैं डाल दूंगी। तो ये देखिए चटनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, बहुत फटाफट से बन जाता है ये नाश्ता। तो यहाँ पर हमारा बैटर भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है, तो मैं फटाफट से आपे भी बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, और साथ में देने के लिए रोटी भी बनानी है मुझे। तो पहले मैं आपे बना कर दे दूँगी, फिर साथ में मैंने सब्जी बना कर रख दी है, बस रोटी बना कर दे दूँगी। आपे मेकर को पहले मैंने ऑयल लगा लिया है ताकि ये चिपके ना। तो सारा बैटर मैंने इस आपे मेकर में फिल कर दिया है। इसे गैस के ऊपर चढ़ा दे रही हूँ,
धीमी गैस पर 2 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर रख देना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए कितने फूले फूले आपे बने हैं और एकदम नरम। तो इसे मैं पलट दूंगी उलट पलट करके, फिर से हमें इसे अभी 2 मिनट के लिए ढककर रख देना है। तो सारे मैंने इसी तरह से पलट लिया और एकदम से देखिए बिल्कुल नहीं चिपके हैं नीचे, कितने आसानी से निकल रहे हैं। बस मुझे जो इसे उलट पुलट करने का जो लकड़ी का होता है वो नहीं मिल रहा है, तो मैंने ये चाकू ले लिया है क्योंकि सुबह का टाइम है तो बहुत हड़बड़ी में हूँ मैं, जो हाथ में आए उसी से काम चला ले रही हूँ। तो अभी 2 मिनट के ढककर रख दिया है। तो देखिए 2 मिनट के बाद कितने अच्छे, कितने फूले फूले और कितने नरम आपे बन चुके हैं और एकदम जल्दी से बनने वाला नाश्ता है ये। आप भी कभी बना कर खाइएगा और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने चटनी और आपे दे दिए दीपक को थाली में। तो अब ये फटाफट से नाश्ता करके चला जाएगा और यहाँ पर थोड़े से अंगूर भी दे रही हूँ क्योंकि ये नहीं रह पाता घर में, तो कुछ खाने के लिए भी इसे नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने सुबह ही दे दिया है। तो सबका नाश्ता हो चुका है और आपे और चटनी बहुत टेस्टी बनी थी, आप भी बनाकर खाइएगा। बस अब इसी के साथ वीडियो को यहीं पर कर देते हैं एंड, और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे न्यू वीडियोज़ न्यू ब्लॉग्स आपको डेली डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।